साइंटिस्ट थे, है ना, मार्शल और वारेन, इसका पूरा नाम था रॉबिन वारेन और ये मार्शल थे। ये साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया, उस बैक्टीरिया का नाम था, बोलो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, साथ में बोलोगे क्या नाम था बैक्टीरिया का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना। एक्चुअली ये क्या होता है, जरा ध्यान से समझो, अभी जो हम बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीमारी का नाम पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का मतलब समझो, पेप्टिक का मतलब होता है पेट से संबंधित। ठीक है, हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर ये चीज़ पता होगा कि एसिड पाया जाता है, है ना, अम्ल होता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, तुम बोलो, एसिड का नाम बोलो, नाम बोलो, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब उसका पीएच काफ़ी कम होता है। अब ध्यान रखना, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हाथ पर रख ले तो हाथ जल सकता है। ठीक है, काफ़ी मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, घाव हो सकता है, है ना। तो वो समझो, हमारे पेट के अंदर तो काफ़ी कोमल कोमल ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उसके अंदर इतना हार्ड एसिड कैसे प्रेजेंट होता है, जरा सोचो। ठीक है, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, एक म्यूकस का लेयर होता है। जैसे हमारा स्टोमक मतलब ऐसा है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें एसिड प्रेजेंट है, तो इसका एक लेयर लगा हुआ होगा, ये म्यूकस का लेयर होता है। क्या चीज़ का लेयर होता है? म्यूकस का लेयर होता है। जो म्यूकस का लेयर क्या करता है, इसके अंदर एसिड जो भी प्रेजेंट होगा ना, उसको ये हमारे स्टोमक के वाल से कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बीच में है तो है ना, लेयर लगा हुआ है, तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होता है। लेकिन क्या होगा, जरा सोचो, अगर ये लेयर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो डायरेक्टली एसिड इसके कॉन्टेक्ट में जाएगा। बोलो, जब एसिड इसके कॉन्टेक्ट में जाएगा तो पेट में जलन होगी ना, है ना। यही चीज़ होता है पेप्टिक अल्सर में। एक्चुअली बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक का बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, इसमें है ना अल्सर कॉज कर देता है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को ही खा जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्सर का मतलब होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो मतलब ऐसे समझो कि इस लेयर को ख़त्म कर चुका है कुछ दूर इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, घाव हो गया है अंदर में, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर वो बैक्टीरिया काम करता है। नाम क्या है बैक्टीरिया का? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसका जो सबसे पहले खोजने का काम है, बताने वाले साइंटिस्ट थे, सबसे पहले पता करने वाले थे, वो नाम क्या है? मार्शल एंड वारेन, है ना। इसकी वजह से बस ये बैक्टीरिया को खोजा था, इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला 2005 में। क्लियर, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी कॉज करता है, जिसको डिस्कवरी किसने किया था? मार्शल एंड वारेन ने, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, इतना ठीक है, चलो।